नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो सूप। एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल। सूप के लिए कभी भी ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करना है, एकदम थोड़ा सा तेल हमें यूज़ करना है। और इसमें हम डालेंगे बटर, एकदम आधा टीस्पून मैंने लिया है। इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा प्याज, प्याज ज़्यादा भी मत डालिए नहीं तो सूप एकदम मीठा हो जाएगा। प्याज को हम अच्छे से सौते करके लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, अभी हम डालेंगे लहसुन। ये मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है, अभी इसको हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे गाजर, ये मैंने एकदम छोटा वाला गाजर लिया है। हमें कोई भी चीज़ को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। गाजर को भी हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अभी इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च डालना एकदम ऑप्शनल है। ये देखिए प्याज हमारा बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है। अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर, टमाटर हमें लाल वाले ही लेने हैं, मीडियम साइज़ के ये 2 टमाटर हैं। इसको मैं अच्छे से फ्राई करके लूँगी। अब टोमेटो सूप बनाते टाइम कभी भी टोमेटो को बॉईल करके मत लीजिए, ऐसे फ्राई की करके फिर उसका सूप बनाइए, ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। देखिए इसको अच्छे से हम ऐसे फ्राई करके लेंगे। और अब मैंने जो प्याज डाला है वो भी आप देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है। इसको हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। अभी इसमें हम डालेंगे 5 से 6 काली मिरी। अगर आप मिर्ची नहीं डाल रहे हो तो काली मिरी आप बढ़ा सकते हो। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करना है। ये मैंने 2 टमाटर के लिए तकरीबन आधा लीटर पानी लिया है। और अब हम डालेंगे नमक। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और जब तक टमाटो गलते नहीं तब तक हमें इसको पकाना है, मीडियम आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। बीच में हमें चेक करना है कि टमाटर गले कि नहीं है। ऐसे हम चम्मच घुमाएंगे, अगर टमाटो स्मैश हो रहे तो मतलब ये गल गए हैं। ये अभी तक गले नहीं है टमाटर। अभी इसको मैं और 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन रख के पका लूँगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी रखी है और जो हमारा मिश्रण है सूप का वो हम इसमें डाल देंगे। और हमने जो तेज़पत्ता डाला था इसको हम निकाल के लेंगे। जो बाउल में पानी है वो हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, और जो जाली में मिश्रण है सूप का इसको हमें थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सर में पीस के लेना है। जो मिश्रण को हमने पीस के लिया था वो हम पैन में डाल देंगे, जो सूप वाला पैन है वो ही यूज़ कीजिए। अभी इसमें हम डालने के बाद इसको हम अच्छे से चम्मच से घुमा के लेंगे। और हाँ, आपको मैं एक बात बताना भूल गई, जब हमने गाजर डाला था वही टाइम पे हमें एक छोटा सा आलू डालना है, उससे क्या होगा जो हमारा सूप है उसको अच्छे से थिकनेस आएगी। और दोस्तों होटल में भी आलू ही यूज़ करते हैं। अभी इसमें हम डालेंगे पानी, जो हमने सूप का पानी निकाला था वही वाला पानी हमें यूज़ करना है। ये देखिए वो यही वाला पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको जितना पतला चाहिए जितना गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी इसको हम अच्छे से बॉईल करके लेंगे।
अभी आपको जितना गाढ़ा चाहिए, जितना पतला चाहिए, उस हिसाब से आप देख के गैस को बंद कर सकते हो। हमारा यम्मी सूप बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।